गुड मॉर्निंग बच्चों, लास्ट सेशन में मैंने थ्योरम कराई थी। कौन कौन सी? थेल्स थ्योरम, उसका कन्वर्स, सिमिलरिटी की प्रोपेलेंस, और आपने सोलह मे इसका स्टेटमेंट मैंने ग्रुप पे दे दिया। ये थ्योरम है एस ए एस, यानी कि यदि दो त्रिभुजों में एक कोण हुआ, कोण की भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप। मैथमेटिकली तो ज्योमेट्रिकली देखिए, दो ट्रायंगल हैं एबीसी और ए वन बी वन सी, एक कोण बराबर, दो त्रिभुजों में इन टू ट्रायंगल्स एक एंगल और कोण की भुजाएं इन ट्रायंगल एबीसी एंड ए इज इक्वल टू ए वन, बराबर हो, और इसको बनाने वाली भुजाएं इसका इसका रेशियो बराबर हो इसके। तो एबीसी सिमिलर है ए वन बी, दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम इससे पहले दो थ्योरम पढ़ चुके हैं, अगर दो ट्राइंगल के तीनों एंगल बराबर हो, जहां एक ही तो बराबर है, तीनों बराबर हो और दो बराबर हो तो उनकी भुजाएं अनुपातिक होती है और समरूप होते हैं, या यहां पर दो भुजाएं अनुपातिक दे रखी है, इसी रेशियो में तीसरी को इंप्रूव कर दें, यानी कि हमारे पास यहां पर टारगेट है एक एंगल बराबर है, अगर एक एंगल और बराबर प्रूफ कर दें तो सिमिलर हो जाएगी, या दो साइड प्रोपोर्शनल है इसी को हमें प्रूफ कर दें, इधर देखिए अगर हम प्रूफ कर रहे ये इतने काम तो करना है, चाहे ये करना है और चाहे ये करना है, मीन्स हमको प्रूफ करना है बी इक्वल टू बी वन, बी इक्वल टू ये एलो से दिख रहे हैं, यानी कि ये हमारा टारगेट है और यहां पर टारगेट ये है ए बी बाई ए वन बी वन, AC is equal to AC1 is equal to BC by B. और ये दिया है एक एंगल और है तो सिमिलर हो जाएंगे, या दो बराबर दिए, अब कौन हमारे लिए दिया है? मीन्स हमें सिद्ध करना है बी इक्वल टू बी वन और ए बी इक्वल टू ए वन बी वन, दिया है ए सी बाई ए वन सी वन, बराबर हमें लाना है बी सी बाई, यहां
वी बाई वी वन हमें लाना है और ए इज इक्वल टू ए वन। टारगेट हमारे पास दो है और के साथ। प्रूफ में वही रचना रहे, ए वन बी वन इज इक्वल टू ए बी, रचना क्या रहेगी, ए पी बराबर ए वन बी वन व ए क्यू बराबर ए वन सी वन का पी को तो चाहे हम एक एंगल बराबर प्रूफ कर दें चाहे कर सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं प्रूफ में, देखिए क्योंकि ए बी बाई ए वन बी वन इज इक्वल टू है ए सी बाई ए वन, इसके स्थान में क्या लिख सकते ए पी, इसके स्थान पर यानी ए बी बाई ए पी इज इक्वल टू ए सी बाई ए क्यू, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से P को पैरल हो गई बीसी, और जब P को पैरल हुए बीसी के तो आ गया P बराबर एंगल B और Q बराबर C। और इस स्थिति में इस स्थिति में ए पी क्यू समान कोणिक होगा उसके, क्या हो गया समान कोणिक होगा, और समान कोणिक होगा तो ए पी क्यू सिमिलर होगा किसके, तब आएगा ए बी बाई ए पी इज इक्वल टू बी सी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई, यह है चौबीस ए बी ए पी क्यू आर ए वन बी वन सी वन बी, ए पी बराबर ए वन बी वन ए क्यू बराबर ए वन सी वन और कोण ए बराबर ए, इसलिए ए पी क्यू सर्वांशम हो गया किसके, तो जब सर्वांशम हो गया तो पी क्यू बराबर किसके हो, पी क्यू बराबर अब पहला काम कर लिया कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों के सर्वांशम, इसका रोल पी क्यू बराबर किसके है बी वन सी। अब आप लेके चलेंगे पुनः ए बी बाई ए वन बी वन दिया है ए सी बाई ए वन सी वन के, इसको रख दिया ए पी, इसको रख दिया पी क्यू, तो क्या आ गया थेल्स प्रमेय के विलोम से पी क्यू पैरेलल टू बी सी है, तब आ गया P बराबर B, क्या गया P बराबर B
पी बराबर बी आ गया और क्यू बराबर सी आ गया। समीकरण क्या होगी? दो। समीकरण एक व दो से क्या है? बी बराबर बी वन आ गया और सी बराबर, जबकि ए बराबर ए वन क्या है? ज्ञात है, इसलिए ट्रायंगल एबीसी सिमिलर होगा किसके? इसके जो एक बार दोबारा देख लीजिए, हमने पहला काम क्या किया? इन दोनों को 10 मिलाते जाए, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये इसके बराबर रचना से है, ये इसके बराबर ये दिया है। इन दोनों ट्रायंगल में पहले किनारे लिखा AP क्यू और A1 B1 C1 में AP इज इक्वल टू A1 B1 रचना से, AQ इज इक्वल टू A1 C1 रचना से, A बराबर A1। तो SAS सर्वांगसम समता से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। जब सर्वांगसम हो गए तो B बराबर B1 के हो गया और C बराबर C1। फिर लेके चलते हैं, ये दिया है AB बाई A1 B1 इज इक्वल टू AC बाई, इसको रख दिया AP, इसको रख दिया AQ, थेस प्रमेय विलोम से PQ पैरेलल टू BC आ गया। ये एंगल इसके बराबर हो गया था, ये इसके बराबर हो गया था। अब जब थ्योरम का यूज हो गया, ये इसके पैरेलल हो गई, तो ये एंगल इसके बराबर हो गया और ये एंगल इसके बराबर। क्या आ गया? B बराबर B, Q बराबर C, तो B बराबर B1, C बराबर C1, A is equal to A1 पहले दिया था, तो त्रिभुज ABC सदृश हो गया इसके। इस तरह से हमारे पास मेन तीन ट्रायंगल, तीन थ्योरम हो गई। कौन कौन? ट्रिपल ए, ट्रिपल एस और यानी कि आप तो ट्रायंगल इस सिमिलरिटी के लिए हमारे पास तीन चीजें हैं, यानी कि तीनों के एंगल बराबर हो तब सिमिलर होंगे, और तीनों के साइड करेस्पॉन्डिंग हो गए तब भी सिमिलर होंगी, या एक एंगल बराबर हो और दो साइड प्रोपोर्शनल हो तब भी ट्रायंगल सिमिलर कहलाएंगे। इसके बाद अगली थ्योरम क्वेश्चंस करने में इंपॉर्टेंट है, समझ ली केवल बाकी ग्रुप पे दिया है। दोनों को एक साथ समझा रहे थे, समझाना है बाकी को दे। साथ इसकी कन्वर्स है विलोम, किसी त्रिभुज में किसी कोण का अगर अर्धा खींचा जाए, ये बाइसेक्टर है, तो प्रूफ करना है त्रिभुज में किसी कोण का अर्धक सामने की भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में डिवाइड करता है। ज्ञात क्या है? AD कोण A का क्या है? अर्धक। AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, यानी कि ये ऐसे प्रूफ करना है VD बाई DC इज इक्वल टू AD बाई DC। ध्यान रखिएगा, अगर AD पर डिवाइड करता है तो लेफ्ट पार्ट बाई राइट पार्ट इज इक्वल टू लेफ्ट साइड बाई राइट साइड, अगर DC बाई BD लेते हैं तो AC बाई BD।
रूप में आएगा। इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास इसका तो एंगल खींचा गया बाइसेक्टर, हमारे पास दो वर्टेक्स बचे, किसी एक से इस बाइसेक्टर से पैरेलल खींच लिए। अगर सी से खींचा तो बाकी बचा बी, ए बी को आगे प्रोजेक्ट कर दो, कर लिए, ये आपका ए हो। ध्यान दीजिएगा ये लाइन इस पर है, रूप पे कुछ नहीं है, एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री, एंगल टू, यानी कि यहां पर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। शुरू करें, त्रिभुज बी सी ई में, इसमें ए डी पैरेलल टू सी ई है, पूरे त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ए डी समांतर इसके तो थेस प्रमेय के लोगों से बी डी बाई डी सी इक्वल टू हुआ ए डी बाई ए ई। देखिए इतने हमें लाना है, इसके लिए कहेंगे पुनः ए डी पैरेलल टू सी ई, इसलिए एंगल एक बराबर एंगल चार, कैसे कौन संगत, साथ में एंगल दो बराबर एंगल तीन, एकांतर अल्टरनेट एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल हो। आप लिखेंगे चूंकि एंगल एक बराबर एंगल दो क्या है गिवन है, तो समीकरण एक व दो का यूज कर, सॉरी इसको दो व तीन का यूज कर, तीन और एक के स्थान पर क्या लिखोगे एंगल फोर, दो के स्थान पर क्या लिखोगे एंगल थ्री, फोर थ्री आगे, ये दोनों एंगल बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज ए सी ई में एंगल थ्री इज इक्वल टू फोर, तो ए ई इज इक्वल टू क्या आ गया ए सी। अब समीकरण एक का यूज कर लो, क्या गया बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू ए बी बाई, इसका विलोम क्या बने, भाषा देखिएगा, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा पर क्या, किसी त्रिभुज में किसी एक शीर्ष से जाने वाली रेखा यदि सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभक्त करे, त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से जाने वाली रेखा सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभक्त करे, तो ये रेखा कोण ए की अध्यक्ष होती है। क्या क्या है, बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार है कि बीडी बाई डी सी इज इक्वल टू ए बी बाई सी, टू प्रूव एंगल एंगल वन एंगल टू, रचना सेम रहेगी, रचना सेम रहेगी, इसके पैरेलल खींचा और इसको आगे एंगल थ्री एंगल, बिल्कुल चले। सिंस बी डी बाय डी सी इज इक्वल टू ए बी बाय डी सी,
चूंकि त्रिभुज BCE में AD समांतर है CE के, इसलिए BD by DC इस इक्वल टू होगा AD by AE। एक वा दो से AB by AC इस इक्वल टू AB by AE, AC इस इक्वल टू AE, AC इस इक्वल टू AE, इसलिए एंगल 3 इस इक्वल टू एंगल 4, 3-4 इस इक्वल उतना ही फिर है। तो ना AD पैरेलल टू BCE है, इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ये संगत हुए और ये समीकरण 3। चूंकि समीकरण 3 से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल, इसलिए AD कोण AE तो इस तरह से हमारे पास प्रश्न नंबर 5, 6 आंसर। एक प्रश्न नंबर 8 है, इसको मैं क्यों थियरम समझा, किसी राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान दीजिए, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर समकोण वाले वर्टेक्स से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ, if we draw a perpendicular from the vertex of right angle, then this main triangle divide into two right angle triangles, एक main हो गया, main triangle कौन हुआ ABC, और two triangles हो गए ABD एंड BCD। हमें प्रूफ करना है एंगल ABC सिमिलर होगा, ABD सिमिलर होगा ADC। इस एंगल को अल्फा मान और देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी एंड एडीसी ए कॉमन, बी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 90, देन बाय ए ए सिमिलरिटी, ए बी सी सिमिलर होगा A D C, चेक कर लीजिए, A कॉमन, B इज इक्वल टू D, B इज इक्वल टू D, सिमिलरली इन ट्रायंगल A B C एंड B D C, एंगल C कॉमन, एंगल B इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 90, देन ट्रायंगल A B C सिमिलर हुआ,
सी करेस्पॉन्डिंग सी, बी करेस्पॉन्डिंग डी, सी डी बी। ऑर्डर में ध्यान रखिएगा, इस तरह से हो गया ए बी सी सिमिलर, ए डी सी सिमिलर। इस तरह से किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले वर्टेक्स अगर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए तो अब वो मेन ट्रायंगल को दो राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड करता है एंड देन दीज थ्री राइट एंगल ट्रायंगल आर सिमिलर म्यूचुअली। थैंक यू। आज तक।